थेरेपी कराने जा रही महिला की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या। महिला को अज्ञात हमलावरों ने मारी 3 गोली। 54 वर्षीय सुधा जादौन पत्नी तेजपाल सिंह निवासी नया तिलक नगर की सरेआम गोली मारकर हत्या। घर से पैदल जा रही थी महिला, कुछ ही दूर पर गोली मारकर की गई हत्या। सुबह तकरीबन 9:30 बजे दिया गया हत्याकांड को अंजाम। मौके पर पहुंची इलाका पुलिस, फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड जांच पड़ताल में जुटी। हत्याकांड की सूचना पर SSP आशीष तिवारी, SP सिटी सर्वेश मिश्र भी पहुंचे। मौके पर फिरोजाबाद में थाना उत्तर क्षेत्र के न्यू तिलक नगर का मामला। क्या मामला हुआ, किस तरह की घटना हुई? पता नहीं, मालूम नहीं है। दवाई ले जा रही थी हॉस्पिटल को, कराए पे मार दे गई। कौन लोग थे? हम संग थोड़ी अकेली हुई थी। क्या नाम था इनका? सुधा। अभी तिलक नगर के अंदर एक गन शॉट का मामला आया हुआ है, क्या मामला है, क्या किस तरह की घटना हुई है? देखिए, इनके यहाँ पति बैठे हुए हैं, ये दोनों साथ साथ, उनको सर्वाइकल की बीमारी थी तो उसके पीछे थेरेपी कराने जाती थी रोज। तो जो उसी अपने समय पे जा रही थी, तो जब वो यहाँ से जा रही थी तो ये अपने पति के साथ ही जा रही थी, तो उन पर मोटरसाइकिल पर बैठा नहीं आता था। उन्होंने कहा आप आगे चलो, थोड़ा मैं पैदल चल के आती हूँ। तो ये चौराहे तक, ये त्राया है ना, यहाँ तक पहुँच पाए तब तक किसी ने उन पर गोली। कौन लोग थे कुछ मालूम? ये जानकारी नहीं है कौन लोग थे, क्या थे। जा रही है तो अज्ञात बदमाशों को गोली मार दी। तत्काल यहाँ से हॉस्पिटल भिजवाया गया जहाँ उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उनके जो हस्बैंड हैं देशपाल सिंह, उनसे बातचीत हम लोग कर रहे हैं। अभी फिलहाल उन्होंने घटना के कारण को अभी तक बताया नहीं है, इस पर हम लोग गहन छानबीन कर रहे हैं। शीघ्र ही घटना का कारण पता करके इसका खुलासा करेंगे। सर, ये अभी रात हुई थी परिजनों से, तो वो कह रहे हैं कि कोई पुराने रेंजर्स भी है, पुरानी रेंजर्स के भी चल रही थी। देखिए, अभी तक हम लोग की जो बात हुई है ऐसी अभी कोई पुष्टिकारक उन्होंने रेंजर्स नहीं बताई है जिससे हम क्लियर कट आपको बता सकें, और इसमें हमारी गहन छानबीन चल रही है। जैसे हमें कुछ भी इसमें डेवलप होती चीज़ें हैं हम आपको उससे अवगत कराएंगे। अभी ये भी क्लियर कट नहीं बता पा रहे हैं। यहाँ आसपास के हम लोग CCTV फुटेज को देख रहे हैं, सामने जैसे एक CCTV लगा हुआ है वो बंद पड़ा हुआ है, ख़राब है, और भी हम आने जाने वाले रास्तों पे जितने भी संभावित रास्ते हैं CCTV देख रहे हैं, और उसको हम वहाँ से लिखाएंगे तो उसे हमें क्लियर कट हमें पता चल पाएगा। श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेलवे पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।